सर्कल के ईस्टर्न साइड में आश ने यहाँ पे नॉक करा है। सोल्ड रॉनक को यहाँ पे नॉक करके फिनिश करा फ्रोजन ने। ओके गॉडल एसेसिन ने नॉक करा, स्प्रे करा सामने से, दो प्लेयर नॉक्ड है, पीकाबू एंड फ्रोजन। एसेसिन फिनिश भी कर रहा है उसको, देजा वो भी ऑलमोस्ट 10 एचपी है। ईडीजी वाइट ऑलमोस्ट यू कैन से अकेला बचा, सामने से ग्रेनेड भी आ रहे हैं कंपाउंड में। गॉडल प्रधान पुश कर रहा है, लेट्स सी, कुछ ना कुछ ना सोच के पुश कर रहे हैं। एसेसिन शैसा आईजीएल इनका मे बी और हाइपर किट, तीन प्लेयर हैं अंदर, रश कर दिया तो देखना पड़ेगा, कवर फायर चाहिए ही चाहिए पीछे कुछ भी करके। पीकाबू को कुछ ना कुछ स्टार्ट पड़ा, फ्री फायर दिया यहाँ पे यूएमपी को, तीन या चार बंदे, एक ग्रेनेड यहाँ पे कुक करके प्रधान फेंके तो हो सकता है कुछ। गरीबों ने पेन आंकड़ों को नॉक करो, ये फाइट देखते पहले। भाई एसएसएन बाहर से अटैक कर रहा था, बट एसएसएन खुद वन एचपी बचा है वहां पे। प्रधान प्रधान घुस के 1v3 कर गया शायद, ब्रो ईटीजी वाइट को मारा उसने। सोल मॉडल वहां पे नॉक है पीछे, गॉर्डन सिद्धू के सामने विशियस नॉक प्रोन्ड है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये देखो गॉर्डन सिद्धू नॉक। भाई एक प्रोन है विशियस नॉक का भी यहां पे प्रोन था, उसको भी पूरा फिनिश नहीं कर पाए लोग, ऑल्सो गॉर्डन डेविल्स का था पूरा फिनिश। अलादीन भी ख़त्म, प्ले जोन से ख़त्म पूरा स्क्वाड। अब स्टॉर्म नॉकआउट को भी जल्दी से जाना पड़ेगा जोन में, वाइपर अकेला बचा है यहाँ पे ऑलमोस्ट, मॉर्टल भी फिनिश हो जाएगा प्ले जोन से। एंड बाहर से वाइपर को भी पड़ रही है, पूरा जोन पूरा स्क्वाड ख़त्म यहाँ पे सोल का। एसएससी ने बोला कि जोन में जा रहे थे लेफ्ट हैंड साइड में, बट दे स्पॉटेड सोल स्क्वाड, पूरा फिनिश करा। 11 टीमें बची हुई हैं, टेड के पास चलते ऊपर, कैन ही मेक इट टू द जोन। स्मोकी और उनका लाइन है बहुत सही पोजीशन में यहाँ पे, ये देखो राइट हैंड साइड से दो बंदे भाग के आ रहे हैं, एलईएफपी स्नैक्स और एलईएफपी पैराडॉक्स, टेड को नॉक करे। ट्रांस ने एक नॉक करा था बट वो आर भी न्यू, पीछे से कवर फायर दिया, परितोष पूरा फिनिश नहीं हो पाया, बट ऑल दो आई थिंक वो जोन से नॉकआउट हो जाएगा एज फार एज आई नो। ओके बच जाएगा, हो जाएगा वो, क्योंकि राइट हैंड साइड में हाइपर किड एंड उनका स्क्वाड है। एसएसएन अलग ही घूम रहा है, बहुत सही खेल रहा है वो इस वाले मैच में, असॉल्टिंग बहुत सही कर रहे हैं। ये देखो फिर ऊपर से पड़ी हाइपर किड को, एक और एसेसिन को भी नॉक करा, सिर्फ गॉडल भगवान अकेला बचा हुआ है। परितोष को ऑलमोस्ट मैनेज भी था वो, बट अब हर जगह से पड़ेगी, जोन भी आ रहा है, डैमेज पड़ेगा, फर्स्ट एड्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता अभी तो। मजिक ने यहाँ पे पिक फोर मोर्सी को नॉक करा है, देखते कहाँ कहाँ पे ये लोग, क्रॉन्टन एंड उनका स्क्वाड है डी फोर डी से, शायद ये लोग फाइट ले रहे हैं। जोन भी क्लोज इन कर रहे हैं, कीकी को भी भागना पड़ेगा जोन में। डी फोर डी एक्सपो को नॉक करा ऊपर से, स्प्रे करके फिनिश भी करेंगे फॉर श्योर। सीडीएस का स्क्वाड यहाँ पे बहुत सही पोजीशन में था, बट अब शायद इनको जोन में आना पड़ेगा। गॉडल हैव द सर्कल, गॉडल एंड डी फोर डी फन बुक नॉक, मजे यहाँ से नॉन स्टॉप फायरिंग दे रहा है, कहीं से उन लोगों को हल्का सा भी ये लोग स्पॉट हो, वहाँ से देखो हल्की सी जगह से देख रहे हो, सिंगल टैप कर रहे हैं वहाँ पे क्यू हो। इसमें
यहाँ पे ओआर भी नहीं होगा नौकर, अब फिर से जोन आ रहा है, यू हैव टू गो थोड़ा सा राइट से, ये लोग मूव कर सकते हैं लेफ्ट से, तो ऑलरेडी गॉर्डन को स्पॉटेड है, ओके परितोष का नॉक करा बीस ने, बीस जंप बहुत सही खेल रहे हैं, दो प्लेयर उसने नॉक करे थे, पड़ेगी कोई फायदा नहीं है पटेल, बट अब बीस्ट भी यहाँ पे लेफ्ट में शायद बोन्स को स्पॉटेड है, फिर से खत्म करा बोन्स को, बहुत प्यारा, तीन टीमें बची हुई हैं, आ रही भी परिपोषण उनका स्क्वाड है, क्रॉन्टन का लाइनअप है यहाँ पे, चारों बंदे गॉडल के बचे हैं, की भी यहाँ पे हील कर रहे हैं, ये देखो देखो टी फोर डी शेकर यहाँ पे बाहर ही प्रोन था, क्रॉन्टन को नॉक करें, क्रॉन्टन शायद फिनिश भी हो जाएगा, फनबुक को भी नॉक करे, अब की को की बस कोई चॉइस नहीं यहाँ पे फनबुक को रेव देने के अलावा, बाहर निकलेगा उसको स्पॉटेड नहीं है प्लेयर्स, बट बीस्ट यहाँ पे बहुत सही रोल प्ले कर रहा है अपनी टीम के लिए एज अ फ्लोटर, कि हर साइड से बंदे मारे, जैसे शेखर को भी मारा उसने, आई जी एन नरूटो को भी यहाँ पे आवर भी घातक ने मारा, बट घातक को भी स्पॉट कर चुके हैं गॉर्डन बीस्ट, स्नेक वाला गेम है, थ्री वी वन फाइट है, वो अभी घातक ने नॉक करा, बहुत ही प्यारा, अंदर से थोड़ी उनके पास हाइट थी तो स्पॉट कर लिया उन लोगों ने ओ आर वी घातक को, सो गॉर्डल क्रॉन्टन एंड देयर लाइनअप वन दिस मैच विद 7+2 9+11 किल्स चिकन डिनर प्लस 5 फॉर गॉर्डल बीस्ट, आखिरी में बहुत सही खेला था लाइक एज अ फ्लोटर, एक एक प्लेयर नॉक करते हुए आ रहा था, ओ आर बी नियो गॉट 1 किल, घातक गॉट 3, सो 9 किल्स फॉर आर आई पी परितोष एंड हिज स्क्वाड, दे गॉट #2 पोजिशन D4D, सो एक शेखर गॉट 1, नरूटो गॉट 2, D4D XPO गॉट 1, गर्ल गेमर ऑन गॉट 0, इवन दो शी डाइड अर्ली इन दिस मैच, बट उसके प्लेयर्स ने यहाँ पे थर्ड पोजिशन यहाँ पे होल्ड करी इस मैच में, फोर्थ मैच में, सो चार किल इन लोगों ने भी लिए, फोर्थ में यहाँ पे इंसीडियस मोकियन उनका लाइनअप था, दे गॉट 9 किल्स इन दिस मैच विद फोर्थ पोजिशन, बैक फॉर मोर्सी टग रेबल एंड माफिया दे गॉट 0 किल्स, बट जो फिफ्थ पोजिशन इन लोगों ने लिया उसके पॉइंट्स इन लोगों को मिलेंगे, SSN एंड देयर स्क्वाड गॉट 7 किल्स, बाकी ये सारे स्क्वाड हैं फॉलोइंग में, फ्रीक्वेंसी दो किल्स सेन ऑफ था इसलिए क्योंकि नीचे भी आपको किल्स दिखेंगी, 5 किल यहाँ पे 8 पे डैश के थे, 4 किल यहाँ पे गॉडल सिद्धू के भी थे, सिद्धू ने भी शायद से 1v3 करा था या 1v2 करा था, आई डोंट नो, वो क्लच देख नहीं पाए थे हम लोग, सो स्टार्स क्रीम वाइट यहाँ पे 25th पोजिशन में, तो इनको थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा।